अपनी पार्टी की कमजोरी को छुपाने के लिए मेरे पे क्यों तोहमत लगा रहे हैं आप? आपने कोई सर हम डिबेट में बैठे ना गौरव भाटिया आपकी रैली में तो आए हैं गौरव भाटिया बोलेंगे हम लोग रैली आराम से सुनेंगे। अक्सर मीडिया एंकर डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता से ज्यादा सवाल तो विपक्ष से करते हैं और टोकते भी उन्हें ही हैं। पर आज की वीडियो में बात उन डिबेट्स की करेंगे जिनमें बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को गोदी पत्रकारों ने अपने तीखे सवालों से परेशान किया हो। न्यूज 18 पर हुई एक डिबेट में एंकर ने जब बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया से सवाल किया तो उन्होंने अमीश देवगन को डांटना शुरू कर दिया, जिसके बाद अमीश देवगन ने गौरव भाटिया को सवालों में घेर लिया। अगर नरेटिव अपना ऑपोजिशन बिल्ड कर जाता है, सेलेक्टिविज्म ऑपोजिशन बिल्ड कर रहा है और उस चीज को इम्पोर्टेंस मिल रही है तो ये कमजोरी आपकी है। अमीश जी पता नहीं किसकी कमजोरी है किसकी नहीं है, 150 वोट जिस प्रवक्ता को नहीं मिलते हैं उसको समय दिया जाता है, 303 सीटों वाला प्रवक्ता पार्टी का बैठा रहता है। चुप रहिए अब आप, बीच में मत बोलिए। नहीं सवाल तो मेरा पूछूंगा ना गौरव जी, बोलिए। मेरे नहीं, मेरे को तो बीच में बोलना पड़ेगा, सवाल तो मुझे पूछना पड़ेगा ना। आपको भी समय मिल रहा है गौरव जी, मैं उत्तर दूंगा, वाकई समय मिल रहा है, लेकिन आप थोड़ी देर शांत रहेंगे। बोलिए आप अपनी बात, आप शांत रहिए तो रखिए। सुनिए आप अपनी पार्टी की कमजोरी को छुपाने के लिए मेरे पे क्यों तोहमत लगा रहे हैं आप? बोलिए अपनी कोई बात। कोई पार्टी की कमजोरी नहीं है, आपको संविधान का ज्ञान देता हूं। आज दलितों की बात कर रही है, दलितों लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न कहां हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। एबीपी न्यूज पर कोरोना के मुद्दे पर हुई डिबेट में एंकर ने सवाल बीजेपी नेता से किया तो नेता ने सवाल एंकर पर ही उठा दिया, जिसके बाद एंकर ने बीजेपी नेता की क्लास ही लगा दी। एक बात का तो पूरा भरोसा हो चला है इस संकट भरे टाइम में कि किसी सरकार पर भरोसा नहीं किया जाए। रूबिका जी सबसे पहले देखिए, अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगी कि किसी सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी है। बेईमानी किस बात, आप बोलिए कैसे हुई बेईमानी? अगर आप सुनेंगी तो मैं बताऊंगा। नहीं नहीं, आपने बेईमानी शब्द का इस्तेमाल किया और मुझे घोर आपत्ति। अच्छा चलिए, हो गई आपत्ति आपकी, अब बीच में मत बोलिएगा, मुझे भी आपत्ति हो सकती है। इस बार भी आपको घमंड है गौरव भाटिया? शब्दों का जाल बुनिए, यहाँ पर बेहुदा सिस्टम का जाल बुना हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर शब्दों की मर्यादा रखूं, इस बात की मर्यादा रखूं? लोग मर रहे हैं। आज तक पर एक डिबेट में एंकर जयता त्रिपाठी ने सवाल गौरव भाटिया से किया जिस पर वह बात को गोलमोल करने लगी तो एंकर ने गौरव भाटिया को अपने तीखे सवालों में घेरने शुरू किया। चित्रा जी वर्सेस वर्सेस मत कराइए, या तो फिर आप बोल दीजिए कि अब आपके नियंत्रण में इसको नहीं है। गौरव भाटिया पहले तो ये ना व्यक्तिगत टिप्पणी करना आप भूल जाइए, जब वो बोलते हैं आप भी बोलते नहीं सर, जब वो बोलते हैं आप भी टोकते हैं, आप बोलते हैं तो वो बोलते हैं। मैं दोनों लोगों को 5-6 बार चुप करा चुकी हूँ, अगर कोई नहीं मानेगा गौरव भाटिया गलत बात है। प्लीज गौरव भाटिया आपकी रैली में तो आए हैं, गौरव भाटिया बोलेंगे हम लोग रैली आराम से सुनेंगे। अब मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप डिबेट में ही अनुमति देती है, आप बोल रहे हैं कोई बात नहीं, मैंने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन अब जब दोनों लोगों का एक ही तरह का चाल चरित्र चेहरा है तो मैं क्या कर सकती हूँ गौरव भाटिया? अब आप प्लीज जल्दी से जवाब दीजिए, दो और मेहमान बहुत धैर्य से आप लोगों के बोलने के बाद इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी एंकर अन्य बीजेपी के नेताओं को भी तीखे सवाल कर ही लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का इंटरव्यू हुआ, इस इंटरव्यू में अमीश देवगन ने कश्मीर के मुद्दे पर सवाल किया जिस पर मंत्री जी ने विपक्ष पर उंगली उठाई, पर एंकर ने उन्हें अपनी पार्टी को लेकर जवाब देने को कहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम की अगर किसी मुस्लिम युवक की या फिर किसी की लिंचिंग हो जाए बीजेपी शासित राज्य में तो बड़ी हाय तोबा मच जाती है, ऐसे ही अगर किसी गैर भाजपा राज्य में हो जाता है तो बीजेपी की कमजोरी है वो इसको विषय नहीं बना पाती, विपक्ष की मजबूती है वो इसको विषय बना लेती है, चौतरफा दबाव बना लेती है। आप मुझे बताइए ये कमजोरी तो आपके शासन की हुई, आपकी केंद्र सरकार की हुई, आपकी भारतीय जनता पार्टी की हुई। अमित जी जी, अब हमने लगातार जहां भी हमारे दलितों पे अत्याचार हुआ, चाहे अलवर हुआ, थानागाजी हुआ, चाहे हमारे जालोर में हुआ, चाहे हमारे सीकर में हुआ, हर समय गंगानगर हुआ, हनुमानगढ़ हुआ, हर समय हमने आवाज उठाई। कांग्रेस जहां पर हिंसा कर रही है या फिर उनके शासित राज्यों में जहां हिंसा हो रही है, कांग्रेस के मंत्री कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बचाव में आ जाते हैं। आप नहीं कर पा रहे, ये पॉलिटिकल कमजोरी आपकी मानी जाएगी या चालाकी कांग्रेस की मानी जाएगी?
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहे पंजाब टुडे के साथ। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.